हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेसिपी के साथ साथ कुछ और भी दिखाने वाली हूं फ्रेंड्स। तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं किटी पार्टी का वीडियो लेके आई हूं, जो कि मेरे घर में किटी था और मैं उसका होस्ट थी। और आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो कुछ रेसिपी मैं भी सिखाऊंगी जो कि न्यू होगा और बहुत ही यूनिक होगा और हेल्दी भी होगा। और आप इस वीडियो में क्या क्या रेसिपी बनाई हूँ मैं किटी पार्टी में, जो मैं सारा दिखाऊंगी। और हम लोग क्या क्या एंजॉय किए हैं, क्या कौन कौन सा गेम खेले हैं, सारा मैं दिखाऊंगी। और कैसे किटी मनाया है मैंने, सारा मैं दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वीडियो इनविटेशन कार्ड बना करके दिया था। आप फोटो इनविटेशन कार्ड बना करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह से बना करके दिया है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे की दिया और टी, यानी कि टी पार्टी। और घड़ी मैंने 12 बजे था तो 12 लिख भी दिया है, 12 और 12 बजे का घड़ी भी लगा दिया है। तो इस तरह से बना करके देंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा और खुश भी होंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे घर पे था तो @ और हाउस का पिक्चर लगा दिया, यानी घर पे, और एड्रेस नीचे डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए ड्रेस कोड मैंने दिया फेस्टिवल लुक, जिसमें घाघरा चोली साड़ी एंड ETC डाला है। और कुछ मैं पिक्चर ये शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे किट्टी के पहले का किट्टी का था, और ये मेरे किट्टी का है और उसके बाद का किट्टी का। तो मैं एक महीने बाद यानी 20-25 दिन बाद शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, इसलिए आपको सारा मैं दिखा दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे किट्टी के बाद वाला किट्टी का ये फोटो है यानी वीडियो है। तो मैं बोल रही थी कि हाय फ्रेंड्स, मिले मेरे किट्टी फ्रेंड से और सभी लोग मस्ती कर रहे थे। पीछे से एक फ्रेंड कुछ एक्टिंग कर भी रही थी। तो देखिए इस तरह से मैंने किट्टी एंजॉय किया है। और अब है कुकिंग टाइम, और कुकिंग करने के बाद दिखाऊंगी गेम कैसे लोग खेले, कैसे लोग आए, कैसे एंजॉय किए, कैसे लंच हुआ, सारा दिखाऊंगी। तो कुकिंग टाइम में 3 रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही पसंद आएगा आपको। और यहाँ पे मैं सलाद बता रही हूँ जो कि अलग है, यूनिक है। और यहाँ पे मैंने कुकुम्बर लिया यानी खीरा लिया, उसको धो करके जो उसका कड़वा है ना उसको निकाल लिया और दोनों तरफ से कट कर लिया। अब इसको छीलेंगे नहीं, बिना छीले लेंगे, और इसको थोड़ा पतला ही लेंगे, सॉफ्ट लेंगे, ज़्यादा जो बड़ा वाला रहता है ना वो नहीं लेंगे। और गाजर लिया, उसको भी छील करके धो लिया है, धो करके छीला है, और इसको देखिए हाफ में कट कर लेंगे। और इसको जो बीच में जो सीड है ना और जो गूदा है उसको इस तरह से उसमें डालेंगे। आप जैसे कोई होल करने वाला है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन होल करने वाला से करेंगे ना तो जो गाजर है जो डाल रहे हो बीच में वो अच्छे से मतलब इसमें जाएगा नहीं, मतलब निकल जाएगा अगर उसको आगे का प्रोसेस करोगे तो। देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है। आप इसको छील करके भी कर सकते हो, तो पहले मत छीलिए फ्रेंड्स, गाजर डालने के पहले मत छीला कीजिए, बाद में छीलिए। उससे क्या होगा ना, छीलने से फट जाएगा जब डालेंगे ना, और नहीं छीला हुआ रहेगा तो नहीं फटेगा। अब देखिए मैं काटने का भी 2 प्रोसेस बता रही हूँ, 3 प्रोसेस है। एक बिना काटे इसको स्लाइस कर सकते हैं, और दूसरा कि इस तरह से एक लेयर कट किया और एक छोड़ दिया, एक कट किया और छोड़ दिया इस तरह से। तो आप इस तरह से कट करके और छील करके आप स्लाइस में कट कर सकते हैं, या तो पूरे को छील करके स्लाइस कर सकते हैं। तो मैं एक पीस इस तरह से कट करके दिखा देती हूँ, और उसके बाद पूरे को छील लूँगी और उसके बाद स्लाइस करके मैं पूरे दिखाती हूँ। तो आपको जो मन करे उस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसको छील लेती हूँ और उसको स्लाइस करके पूरे को दिखा लेती हूँ, मतलब डेकोरेट करके ही दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कट करके सारे को रख लिया, और इसके ऊपर धनिया पत्ता, पुदीना आप इसको डाल सकते हैं, और पार्टी टाइम आप नमक भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैं जूस बना रही हूँ जो कि ड्रिंक में शेयर किया था, और लोग बहुत पसंद किए थे, लास्ट तक इसको पीते रहे थे लोग, इतना पसंद किए थे। और इसको मैंने एक बीटरूट को धो करके छील लिया, और छील करके रफली कट कर लीजिए, बस कोई शेप में नहीं कट करना। अब यहाँ पे एक बर्तन रख दिया है गैस पे, और उसमें डाल देंगे ये बीटरूट, और उसमें 1 कप पानी डाल देंगे, और इसको ढक करके सॉफ्ट थोड़ा सा होने तक इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे, मीडियम नहीं कीजिएगा, लो फ्लेम पे 2-3 मिनट में हो जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए ये पक चुका है, अब इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे। लेकिन मैं क्या किया ना, खड़बड़ी था, किट्टी का टाइम होने वाला था, और यहाँ पे मैंने क्या किया, गर्म में ही इसको डाल दिया था, और उसके बाद ठंडा पानी डाल दिया तो थोड़ा ठंडा हो गया, उसको ग्राइंड कर लिया। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि गर्म अब ग्राइंड करेगा ना तो बाहर फेंक देगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया, अब इसको छान लेंगे। तो छन्नी से मैंने छानने के लिए कोशिश किया, लेकिन बहुत क्योंकि टाइम था नहीं, तो मैंने क्या किया कपड़े पे डाल दिया, वो भी अच्छा ही रहा फ्रेंड्स। आप जब भी छानिए ना इस तरह से तो कपड़े पे छानिए, छन्नी से क्या होगा ना उसका जो पल्प है ज़्यादा रह जाएगा, और कपड़े से करेंगे ना तो ज़्यादा ये छन के आ जाएगा और पल्प थोड़ा सा बचेगा। तो इस तरह से पतले कपड़े से, वाइट कपड़े से ही छानिएगा। और इसको छान करके सारा जूस मैंने निकाल लिया है, और एक
चुकंदर का पहले ही बना लिया था, और जो बचा ना उसको मैं क्या किया कि या तो आप आटा गूंथ लीजिए या सब्जी बना लीजिए। कि मैंने क्या किया, नमक डाला, काला नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर, और खा गई। सोची पार्टी में कहाँ इधर उधर रखूंगी। आप देखिए यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट कर। नमक डालिए, सादा नमक मैंने डाला है, फिर काला नमक फिर मैंने डाला है, और इसको डाल करके इस तरह से मिला लेंगे। अब चाट मसाला मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने पानीपुरी मसाला डाल दिया है। अब यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल करके, अगर तीखा नहीं खाना चाहते तो रेड चिली पाउडर आप स्किप कर लीजिए और उसको मिला लीजिए। और इसमें थोड़ा सा नींबू जूस मैंने पहले भी डाल दिया था, लेकिन दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब इसमें मन मुताबिक पानी डाल दीजिए, जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं पानी डाल दीजिए। उसको जग में भर करके इसको फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दही बना रही हूँ जो कि चुकंदर के जूस से ही। यहाँ पे मैंने हंकड़ लिया है, इसलिए मैंने लिया है क्योंकि मैं कुछ दूसरा रेसिपी बनाने वाली थी, लेकिन मैं बना रही हूँ अब, टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा जूस डाल करके इसको कलरफुल कर लिया। बहुत ही लोग पसंद कर रहे थे, खा रहे थे, तो मैंने वीडियो तो शूट के लिए ढंग से आया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बना था, कलर आया था, और इसको धनिया पत्ता डालकर डेकोरेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिट्टी बनाया था, और यहाँ पे जो देख सकते हैं दही है जो चुकंदर वाला दही है, और यहाँ सलाद है, तो देख सकते हैं कितना सुंदर ये सलाद लग रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल और लेकिन बहुत ही अलग। अब यहाँ पे देखिए जीरा राइस मैंने डाला है, यानी जीरा राइस बनाया है जो कि ड्राई फ्रूट डाल करके आप इस तरह से बना सकते हैं, ये नारियल डाल के, काजू डाल करके आप इस तरह से बना सकते हैं, किशमिश डाल दीजिए। और यहाँ बगल में कटोरी और प्लेट और स्पून सब रख दिया है, और देख सकते हैं जूस थोड़ा सा बचा है क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि स्टार्टर हो चुका था इसलिए उसके बाद मैंने रख करके, थोड़ा सा रख करके दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है। और छोला मैंने बनाया जो कि मैंने चैनल पर सारा रेसिपी शेयर किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मटर पनीर है, और मैंने जो करेला का भुजिया बनाया है यानी करेला फ्राई बनाया है जो कि सिजवान सॉस के साथ बनाया है, और यहाँ पे अमरूद का चटनी जो ग्रीन वाला है ना वो भी शेयर किया हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइए। और लिट्टी चोखा का भी कई रेसिपी डाला हुआ, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और मैंने आइसक्रीम और पुडिंग बनाया था ब्रेड का, उसको फ्रिज में ही रखा हुआ था। और मैंने बैगन का चोखा भी बनाया था लिट्टी के साथ खाने के लिए, वो भी खत्म हो चुका था, उसके पहले मैंने दिखाना भूल गई थी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं रेसिपी। अब है पार्टी टाइम, जो लोग आ रहे हैं उसको मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए एक फ्रेंड मेरी आई है, ये बिल्कुल टाइम पे आ गई थी, सभी लोग टाइम पे ही आए थे लेकिन ये पहले आई थी, और जैसे जैसे लोग आए हैं ना वैसे वैसे वीडियो मैं लेके आई हूँ, और बहुत ही इंजॉय किए हैं, और सभी लोग बच्चे बन जाते हैं किट्टी के दिन फ्रेंड्स। वेलकम वेलकम, बहुत ही सुंदर लग रहा है साड़ी भी और तुम भी। उसके बाद इन लोग आई थी, और एक दिन होता है लेडीज का फ्रेंड्स, उसमें सभी लोग अपना घर बार मतलब घर का टेंशन छोड़ करके बिल्कुल एंजॉय करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि सारा दिन तो काम करते ही हो, लेकिन एक दिन तो एंजॉय कर लो। हेलो वेलकम वेलकम, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने बोला था ना कि जैसे ऐसे लोग आएंगे आपको मैं दिखाते जाऊंगी, तो मैं बोल रही थी ना फ्रेंड्स कि लेडीज को अपने लिए एक दिन टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए। तो कहता है ना फ्रेंड्स कि जेंट्स लोग तो कहीं ना कहीं एंजॉय कर ही लेते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल लेते हैं, बाहर जाते हैं, तो लेकिन लेडीज हमेशा घर में रहती है, तो आपको एक दिन निकालना चाहिए महीने में ताकि अपने लिए जियो और एंजॉय करो। जो भी टेंशन है उसको छोड़ दो, एक दिन के लिए एंजॉय करो, आप बहुत ही खुश रहोगे। हेलो वेलकम, तो फ्रेंड्स बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, कि शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरे में बहुत ही अच्छा है, आप स्किप कर जाओगे तो आप छूट जाएगा आपका वीडियो। हेलो वेलकम, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आ गए हैं सब लोग, और मैंने कुछ का वीडियो शूट किया है, कुछ का नहीं छूट गया है, और अब है गेम टाइम जो कि मैं दो गेम रखी हूँ, और सभी लोग खेल रहे हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं गेम के लिए बताती हूँ। जो फर्स्ट गेम था, पेपर पर कुछ सर्कल बने हुए थे और उसमें वर्ड लिखा हुआ था, यानी लेटर कुछ लिखा हुआ था, जैसे माँ है, माला है, सिंदूर है, क्योंकि फेस्टिवल लुक था और दुर्गा पूजा समय था, तो उस तरह से मैंने लिखा है। पूजा है तो दो लेटर का हुआ, तो एक आया तो एक लेटर पे माँ पे जाएगा, दो आया तो माला है तो दो पे जाएगा, तीन आया तो सिंदूर पे जाएगा, चार आया तो जैसे उपवास है तो चार है, पाँच आया तो कटोरी में जो पेपर रखे हुए ना उसमें पाँच जाएगा, और छः आया तो सारा जो पेपर पर क्वाइन रखा हुआ, यानी क्वाइन रखना था क्वाइन रखा हुआ हटा देना है, और एक मिनट में जो जितना क्वाइन जिसका लास्ट में बचेगा पेपर पे और जो कटोरी है उसमें सारे जोड़ करके जो ज़्यादा होगा वो विनर कहलाएगा। और गेम बहुत ही अच्छा था, मेरे फ्रेंड लोग भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स।
यहाँ किटी में किटी फ्रेंड एंजॉय कर रही है, आप वीडियो देख करके एंजॉय कर रहे हैं ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कैसे किटी मनाते हो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला जो गेम है वो लगभग खत्म होने वाला है, ये लास्ट खेल रही है। बीच में जो बगल में बैठी हुई ना, वो पता नहीं कब खेली, उसका रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर पाई हूँ कोई भी गेम में नहीं। अब देखते हैं दूसरा गेम जो कि कैसे खेले हैं और कैसे एंजॉय किए हैं। गेम कैसे खेलना है मैं बताती हूँ। तो पहले आंख को बंद कर लेना है कपड़े से बांध करके, और टोकरी को ऊपर रखना हेड के ऊपर, एक हाथ से पकड़े रहना, और दूसरे हाथ से छोटा स्पून था और जो नीचे बॉल है ना उसमें कॉटन बॉल्स रखा हुआ है बहुत सारा, और एक बार में एक ही बॉल को डालना है ऊपर। तो पता नहीं चलता है फ्रेंड्स कि हल्का है तो स्पून में आया या नहीं, लेकिन लोग दो दो भी डाल ले रहे थे। और जो एक मिनट के अंदर जो ज़्यादा कर लेगा यानी डाल लेगा कॉटन बॉल ऊपर में, वो विनर कहलाएगा। एक अंकी डालना चाहिए, चलो तीन गिफ्ट रखा था, दो गेम के लिए एक ड्रेस कोड के लिए, वो सूट करना मैं भूल गई थी। पूजा जीतने के लिए आई है। देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, और ये नहीं है कि कौन गेम जीतेगा कौन हारेगा, बस बच्चे जैसा हेल्प भी कर रहे हैं कि लो लो और खेलो अच्छे से। अब है लंच करने का टाइम, तो लोग लंच कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग खाने पे इंजॉय कर रहे हैं, और जो चेयर पे बैठी हुई है ना उसका बेटा है वो, और वो क्या है हौजी गेम में बहुत हेल्प किया, जो हौजी का नंबर होता है ना वो उसको उठाता था, मेरे हाथ पर देता था और मैं बोलती थी, और सभी लोग बहुत ही इंजॉय किए और खेले। और मैं थर्ड जो गेम था ना वो ड्रेस कोड पे दी थी, तो उसका लकी था, मतलब सबका नाम निकाल दिया मैंने, और जिसका जो आया वो उसको वो विनर हुई। तो फ्रेंड्स, आपको ये किट्टी पार्टी का वीडियो कैसा लगा? मेरा तो ये किटी पार्टी ख़त्म हो चुका है और बहुत ही मैं इन्जॉय की। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।